फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के जावा के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस, कैसे हम लोग इनहेरिटेंस डिजाइन करते हैं, क्या इनहेरिटेंस होता है, कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, तो ये सब हम इसमें देखेंगे। फ्रेंड्स, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और भी बेटर वीडियो आपके लिए डिजाइन कर सकेंगे। इनहेरिटेंस जो होता है हमारा, ये ऊप्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो फीचर है, जिसका मेनली यूज क्या होता है, इनहेरिट करना। इनहेरिटेंस वर्ड से ही हमें पता चल रहा है, इनहेरिट करना यानी एक क्लास की प्रॉपर्टी को जब दूसरी क्लास क्या करती, यूज करती है। जैसे अगर हम सिंपल एग्जांपल बोले अपनी लाइफ में, जैसे फादर की प्रॉपर्टी को उसके चाइल्ड इनहेरिट करता है, यानी जो फादर की जितनी प्रॉपर्टी होंगी सब कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, चाइल्ड उसका एक्सेस करता है। वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर जावा में भी होता है। जैसे आपने किसी क्लास में कोई फंक्शन डिफाइन किया है, कोई वेरिएबल डिफाइन किया है, अब दूसरी क्लास में भी उसको यूज करना है, तो दोबारा से आपको डिफाइन नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है, उस क्लास को के थ्रू ही हम लोग क्या कर देंगे, उसको एक्सेस कर लेंगे डायरेक्ट। यानी चाइल्ड क्लास डायरेक्ट अपने पेरेंट क्लास की जो भी जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी उसको वो एक्सेस कर लेगी। बट एक कीवर्ड इसमें हमें यूज करना होता है, वो होता है एक्सटेंड, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को क्या करती है, एक्सेस करती है। तो अभी हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी इसमें देखेंगे बोर्ड पे, फिर हम प्रॉपर टाइप्स ऑफ जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो प्रॉपर सिस्टम पे भी देखेंगे, प्रोग्राम भी बनाएंगे, प्रॉपर छोटे छोटे प्रोग्राम हम बताएंगे यहाँ पर आपको। ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनहेरिटेंस थोड़ा समझना है कैसे वर्क परफॉर्म करता है, कैसे प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को, तो वो सब हम यहाँ देखेंगे। तो अब इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन में क्या क्या होता है। इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म इन विच वन क्लास यूज इनहेरिट द प्रॉपर्टी फील्ड एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास। सिंपल यहां पर ये डिफाइन कर रहा है कि इनहेरिटेंस एक क्या है, मैकेनिज्म है, जिसमें क्या होता है, एक क्लास जो है, वन क्लास यूज द प्रॉपर्टी फील्ड एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास, एक क्लास जो करती है वो यूज करती है फील्ड एंड प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास की, दूसरी क्लास की फील्ड एंड मेथड को वो एक्सेस करेगा। अभी हम इसको सिंटैक्स के थ्रू भी देखेंगे। दूसरा है, इन दिस वन ऑब्जेक्ट एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट क्लास। इसका मीनिंग ये है कि जो चाइल्ड क्लास होती है उसका ही हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग पेरेंट क्लास को भी क्या कर सकते हैं, कॉल करा सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें बोल रहा है, एक्सटेंड कीवर्ड इज यूज इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में जब एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करती है तो वहां पर हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल की बात करूं तो यहां पर मान लो एक क्लास है ए और एक क्लास हमारे पास है बी। एक क्लास ए है, एक क्लास बी है। बी क्या कर रही है, बी एक ये इसकी पेरेंट क्लास है, क्लास भी बोल सकते हैं इसको, और ये क्या है हमारी, ये है इसकी चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास इसको और हम लोग बोलते हैं सुपर क्लास, और ये होती है हमारी सब क्लास। सिंपल इसमें ये कंडीशन ये डिफाइन कर रहा है कि जब जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को क्या करती है, यूज करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब ये होता कैसे है, अगर हम सिंपल एग्जांपल के थ्रू इसको सिंटेक्स के थ्रू देखें, तो जैसे हम आपने यहां पर एक क्लास डिफाइन किया है, क्लास हमने एक बनाई क्लास ए, इसके अंदर इसके मेथड डिफाइन कर दिए, इसके वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिए। इसके बाद आपने एक क्लास लेनी है, क्लास ये हमारी बी होगी जो सब क्लास है, जो क्या करेगा, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करेगा, एक्सटेंड, और वो किसको एक्सेस कर लेगा, आपकी सुपर क्लास ए को। और इसके बाद इसमें इसके भी क्या आ जाएंगे, मेथड और मेंबर फंक्शन आ जाएंगे, जो भी हम लोग बेस क्लास में डिफाइन करना, सब क्लास में डिफाइन करना चाह रहे हैं। और उसके बाद जब हम इसको कॉल कराएंगे, यानी जब हम लोग मेन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमें बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और इस बी के थ्रू ही हम लोग कॉल करा सकते हैं इस ए को भी, और बी के थ्रू ही हमारा क्या हो जाएगा, ये जो बी वाला क्लास है उसके मेथड भी कॉल हो जाएंगे, और उसी के थ्रू हम लोग उसके जो पेरेंट क्लास है उसको भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। इसमें क्या होता है, रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट हमारा यूज होता है, यानी बी क्या करेगा, वही अगर बी को जो ए में हमने फंक्शन डिफाइन किए हैं, वेरिएबल डिफाइन है, वही आपने अगर बी में यूज करने हैं, तो बी डायरेक्ट क्या करेगा, उसको एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू ए से ही क्या कर लेगा, एक्सेस कर लेगा, दोबारा से उनको वो बी के अंदर डिफाइन नहीं करेगा।
तो वही होता है आपका इनहेरिटेंस। तो सिंपल यही है, एक मैकेनिज्म है जिसमें एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को क्या करती है, एक्सेस करती है। दूसरा है इसमें ऑब्जेक्ट जो होता है एक्वायर होता है, यानी सब क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम पेरेंट क्लास को भी कॉल करा देंगे। तीसरा मेथड ये था कि इसमें क्या होता है, हमारा एक्सटेंड कीवर्ड का यूज होता है। अब थोड़ा सा इसको और देखते हैं। इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे इनहेरिटेंस के, जिनको हम बोलते हैं टर्म्स इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में कौन कौन से हमारे टर्म्स यूज होते हैं? सबसे पहले आपकी होती है क्लास, ये आपको पता ही है। क्लास जो होती है वो होती है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिफरेंट क्लासेस मिलके हमारा क्या बनेगा, इनहेरिटेंस बनेगा, जिसमें सुपर क्लास, सब क्लास ये सब यूज होंगे। दूसरी आती है आपकी सब सुपर क्लास, सुपर क्लास, इसके अलावा इसको पेरेंट क्लास, इसके अलावा इसको बोलते हैं बेस क्लास। जो क्या होती है, अगर आपने इनहेरिटेंस डिफाइन किया है, ये ए है, ये बी है, बी जो है इनहेरिट कर रहा है ए की प्रॉपर्टी को, तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपर क्लास। इसके अलावा ये सब भी इसको बोलेंगे पेरेंट क्लास, बेस क्लास। जो क्या होगी, जो मेन क्लास होती है उसी को हम लोग क्या करते हैं, बेस क्लास बोलते हैं। तीसरा आता है आपका सब क्लास, या हम इसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास, या इसको बोला जाता है डिराइव्ड क्लास। यानी जो यहां पर बी है इसको बोलेंगे सब क्लास, चाइल्ड क्लास, ड्राइव क्लास, ये सब इसको डिफाइन होता है। इसके बाद फोर्थ जो आता है वो आता है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब है जो भी मेथड आपने ए में डिफाइन किए होंगे, मेथड हो गया, वेरिएबल हो गया, जो भी डिफाइन किए होंगे उनको बी के अंदर रीयूज कर सकते हैं आप बिना डिफाइन किए, मतलब उसको इनिशियलाइज करने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे उसको कॉल करा देंगे। और मेन जो होता है इसका सिंटेक्स की अगर बात करते हैं, तो सिंटेक्स अभी हमने लिखा ही था। सिंटेक्स के लिए हम लोग क्लास लिखेंगे, क्लास ए, देन यहां पर ये ए की बॉडी आ जाएगी। इसके बाद क्लास बी लिखेंगे जिसे हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू डिफाइन करते हैं, एक्सटेंड ऑफ ए, और यहां पर जो हो जाता है आपका बी की बॉडी आ जाएगी। और जब हम कॉल कराएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट बी का क्रिएट करना है और उससे ही ए को भी क्या कर देना है, कॉल करा देना है। तो ये सिंपल है इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। थैंक यू फ्रेंड।